सो बिफोर द कॉल वॉज डिस्कनेक्टेड, हम बात ये कर रहे थे कि मुझे एक एक हम टूल यूज करते हैं जिसको हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स है, ये क्या बोला है, इसको समझने के लिए पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स उनको देख लें। यहाँ पे टाइप्स से मुराद ये है कि स्टेक होल्डर्स हमारे साथ किस तरह उनका प्रोजेक्ट की तरफ या हमारे तरफ उनका एटीट्यूड क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट की तरफ मेनली या उस प्रोजेक्ट के आउट की तरफ आउटकम की तरफ क्या होगा, जरा उसको देखते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। अनअवेयर किस चीज से? अनअवेयर दो दो चीजों से, प्रोजेक्ट से कि प्रोजेक्ट हो भी रहा है कुछ ऐसा उन्हें पता ही नहीं होता, और उस प्रोजेक्ट के जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं उनसे। अब यहाँ पे दो तरह के इम्पैक्ट है, एक इम्पैक्ट वो कि जो प्रोजेक्ट का काम हो रहा है उस काम की वजह से उन्हें कितनी डिस्टरबेंस होगी या उस काम की वजह से उन पे क्या इफेक्ट आएगा, और दूसरा इस प्रोजेक्ट के नतीजे में जो चीजें बनेगी उन चीजों के जो जो आउटकम होगा इस प्रोजेक्ट का उससे इन पे क्या पोटेंशियल इफेक्ट है, वो दोनों चीजों के बारे में अनअवेयर होते हैं। अच्छा, एक और कैटेगरी है स्टेक होल्डर्स की जिनको हम रेजिस्टेंट कहते हैं। ये वो स्टेक होल्डर्स हैं, रेजिस्टेंट स्टेक होल्डर वो होंगे जो प्रोजेक्ट से के बारे में तो जाहिर है अवेयर हैं, उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट से भी अवेयर हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, वो प्रोजेक्ट की फेवर में नहीं है। तो दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज और रेजिस्टेंट टू चेंज, और हमें इन स्टेक होल्डर्स को किसी तरह न्यूट्रलाइज करना है या इनको सपोर्टिव में लाना है। अगली कैटेगरी, न्यूट्रल वो होते हैं जो प्रोजेक्ट के बारे में तो जानते हैं लेकिन ना वो सपोर्ट कर रहे होते हैं और ना ही वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। सपोर्टिव वो हैं जो मेरे प्रोजेक्ट को के जाहिर है उसके बारे में अवेयर भी हैं एंड उसके पोटेंशियल इफेक्ट्स को बारे में जानते हैं और वो दे आर सपोर्टिव टू द चेंज। अच्छा, और उसके बाद लीडिंग है। लीडिंग वो है जो प्रोजेक्ट को जानते हैं, उसके पोटेंशियल इफेक्ट को जानते हैं और फिर एक्टिवली इन्वॉल्व भी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ये कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे? ऑब्वियसली जो टीम मेंबर्स हैं और जो मेरे में भी जो बिल्कुल मेरे प्रोजेक्ट के साथ साथ काम कर रहे हैं, मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर लीडिंग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो ये इन कैटेगरीज को अगर मैं जहन में रखूं तो मैं हो सकता है आज एक स्टेक होल्डर मेरे रेजिस्टेंट कैटेगरी में है, तो मैं ये चाहूंगा कि यार इसका जो करंट लेवल है इस स्टेक होल्डर का वो है रेजिस्टेंट का, तो मैं प्लान के अंदर ये डिसाइड करता हूँ कि यार इसको मैंने लेट से डिजायर्ड मेरा लेवल जो है ना उसका वो है कि सपोर्टिव पे आ जाए, तो करंट लेवल उसका रेजिस्टेंट का है, लेकिन मैं अपने एंगेजमेंट प्लान के अंदर ये चीज प्लान बना रहा हूँ या ये चीज सोच रहा हूँ कि इसको यार न्यूट्रल लेवल पे लेके जाना है या इसको सपोर्टिव पे लेके जाना है। अगर सपोर्टिव पे लेके जाना है तो मैं कहता हूँ यार मेरा डिजायर्ड लेवल सपोर्टिव है, तो ये हम देखते हैं प्लान के अंदर। और इसको हम इस काम को करने के लिए हम जो मैट्रिक्स यूज करते हैं वो है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स। ये स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स इज अ डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक या टूल जिसके जरिए हम अपना डिजायर्ड स्टेक होल्डर का डिजायर्ड एंड करंट दोनों यू नो इंगेजमेंट लेवल उसको देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे लेट्स से ये एक स्टेक होल्डर वन है और स्टेक होल्डर वन का जो करंट लेवल है वो अनअवेयर का, और मैं प्लान ये बना रहा हूं कि इसको मैं डिजायर्ड सपोर्टिव लेवल पे लेके जाना चाहूँ। स्टेक होल्डर टू है, उनका अभी वो ही और शी इज न्यूट्रल अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड आई वांट कि यार वो डिजायर्ड लेवल उसका जो है ना वो है सपोर्टिव लेवल पे आ जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो स्टेक होल्डर थ्री है, बिल्कुल आगाज में ही जो मैंने बातचीत की तो मुझे पता चला कि यार इनका डिजायर्ड लेवल भी यही होना चाहिए और करंटली भी ऑलरेडी इस पे है, तो यहाँ पे तो मसला ही खत्म हो गया। आगे हम जाके मॉनिटर एंड कंट्रोल में जब हम देखेंगे तो वहां पे हम ये कंपैरिजन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट भी करते रहेंगे। अभी तो हम प्लान के वक्त कर रहे हैं, लेकिन कि यार मेरा डिजायर्ड लेवल क्या होना चाहिए वो ये है और करंट लेवल क्या है, तो फिर मैं देखता हूँ कि यार इस करंट को मैं किस तरह डिजायर्ड लेवल पे ला सकता हूँ, मैं अपनी स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट कैसे करूँ कि ये करंट लेवल डिजायर्ड लेवल पे आ जाए। ठीक है, ताकि ये वेरिएंस खत्म हो जाए। इस वक्त करंट लेवल कुछ और है, डिजायर्ड लेवल कुछ और है, और ये वेरिएंस है। सो ये है जी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मैट्रिक्स। इट्स अ गुड टूल जिससे बड़ा क्लियरली आपको चीजों को समझ आ जाती है। ये रीटा के अंदर एक और पैटर्न में यही चीज लिखी हुई है, जो डार्क बार है वो आपको शो कर रही है कि यार ये मेरा
डिजायर्ड या ऑप्टिमल इंगेजमेंट का लेवल है, और लाइट बार है वो शो कर रही है कि ये मेरे पास जो करंट लेवल है वो है. सो बट आई वुड प्रेफर दिस फर्स्ट वन, ये ज़्यादा बेहतर और क्लियर नज़र आती है मुझे. अच्छा जी, उसके बाद हम अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट एनालिसिस एंड रूट कॉज एनालिसिस ये करेंगे. ये डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स हैं बेसिकली. इनके अंदर हम क्या चाहते हैं और ये क्यों करते हैं. देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मेरे एक स्टेक होल्डर वो बीजिंग में बैठा हुआ. अब यहाँ पे मेरे ऊपर एक कंस्ट्रेंट इम्पोज हो गया कि यार मैं उससे फ्रीक्वेंटली नहीं मिल सकता. मैं ये नहीं कर सकता कि दफ्तर खोला और अंदर चला गया. ठीक है, सो इस किस्म के कोई कंस्ट्रेंट्स अगर हैं तो मैं उनका एनालिसिस करूंगा. जाहिर है मुझे अपनी इंगेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मे बी मैं ये चाहूंगा कि यार जब वो फर्स्ट टाइम ओपनिंग पे आए तो मैं अपने लिए कोई टाइम स्लॉट बनाऊं ऐसी कि उस, क्योंकि मेरे पास एक ही दफा शायद पूरे प्रोजेक्ट पे ये चांस होगा कि जब वो ओपनिंग सेरेमनी पे आएगा तो मैं उससे इंगेज कर सकूं. अदरवाइज आई माइट बी थिंकिंग टू कम्युनिकेट विद दैट स्टेक होल्डर थ्रू ईमेल्स और फोन कॉल्स. तो ये अगर इस तरह की कोई कंस्ट्रेंट्स या अजम्पशंस आपके माइंड में है, जिसकी वजह से इसी तरह जैसे मैं कहूँ कि यार एक अजम्पशन है कि फ्लां स्टेक होल्डर वो माइट बी वेरी इजी टू कॉन्टेक्ट, वो हमेशा ओपन रखता है, वो दफ्तर में कोई पीए वगैरह कोई थ्रू प्रॉपर चैनल एंट्री नहीं करता, वो कहता है यार एनीबॉडी कैन कम एनी टाइम, दैट्स इट. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मतलब अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट को हम देखेंगे. अच्छा, और फिर है रूट कॉज एनालिसिस. रूट कॉज एनालिसिस से यहाँ पे क्या मुराद है, वो ये है कि यार इस वक्त मेरी प्रोजेक्ट टीम मेंबर जो भी, सॉरी मेरे जो स्टेक होल्डर है प्रोजेक्ट का, कोई भी स्टेक होल्डर, उसका करंट फॉर एग्जांपल अभी हमने इसमें देखा था ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स में, कि उसका इस वक्त जो करंट एंगेजमेंट लेवल है वो है रेजिस्टेंट का. तो मैं ये देखना चाहूंगा वो क्यों रेजिस्टेंट है. अगर मुझे वो रीजंस पता चल जाए तो मैं उन रीजंस को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा सो दैट वो स्टेक होल्डर जो है ना वो रेजिस्टेंट से कम न्यूट्रल हो जाए, या बेहतर तो ये है कि वो सपोर्टिव हो जाए. तो ये तीनों एनालिसिस या दोनों एनालिसिस हम करके ही अपना एंगेजमेंट का प्लान बनाएंगे. अच्छा, अब हम ना इन कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं. आप लोग इसको काइंडली इसमें ना एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा. इसमें एक है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि आप 100% इसका आंसर नहीं दे सकते, ये मुझे पता है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से ना आपको क्लियर जरूर हो जाएगा कि यार हमारा डिजायर्ड एटीट्यूड क्या होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन. एक स्टेक होल्डर है जिसका प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है और हाई इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी कुछ सुनता नहीं है या उसके इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर सकता, और बहुत ज्यादा हाईली नॉलेजेबल एक्सपर्ट है, और स्पेशली जो हाई रिस्क एरियाज हैं उसके बारे में इसको बहुत खबर है, बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से मे बी वो उस तरह हमारे पास फॉर्मली टीम के अंदर ना हो या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर वो रोल प्ले ना कर रहा. तो ऐसे स्टेक होल्डर को हम कैसे इंगेज करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? आई नो कि आप आंसर नहीं दे सकेंगे, फिर भी सोचिए जो अभी तक बताया पॉजिटिव वे में हम कैसे इसको डील कर सकते हैं. ओके, चले मैं आपको बताता हूँ. देखिए, हम इस स्टेक होल्डर को उसका क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं है तो हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोएक्टिव उसको हम पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास एक एक्सपर्टी है. मैंने आपको क्या कहा कि स्टेक होल्डर को आपने पॉजिटिव लेना है और ये एक एसेट हो सकते हैं. मुझे पता है कि ये स्टेक होल्डर जो है ना वो इंटरेस्टेड भी है एंड वो नॉलेजेबल भी है, तो यार व्हाई नॉट टू इनवाइट हिम और हर ऑन द प्रोजेक्ट, उसे एक्टिवली इन्वॉल्व करें. ठीक है, सो अब आप देखिए होगा यही, हर जितनी भी एग्जांपल्स है उसमें होगा यही कि वो एक लेफ्ट अगर एक्सट्रीम पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, फॉर एग्जांपल वो रेजिस्टेंट है, तो मैं ये चाहूंगा कि यार वो रेजिस्टेंट से सपोर्टिव या लीडिंग हो जाए. सपोर्टिव या लीडिंग जो है ना ये मेरा डिजायर्ड लेवल होगा, मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा. अच्छा, और अगर वो बाज दफा होता ही है कि वो सपोर्टिंग होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी कोई सुनता नहीं है, उसका इन्फ्लुएंस का वो लेवल नहीं होता, तो हम ये करेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर को, ठीक है यार वो ऑलरेडी सपोर्टिव है लेकिन इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से कर रहा है, तो मैं उसको पुश करूंगा, मैं उसको इंगेज करूंगा, मैं उससे फायदा लेने की कोशिश करूंगा, उसका जो एक्टिव रोल वो चाह रहा है मैं उसको जरूर दूंगा. ठीक है जी. अच्छा, अब जरूर तो नहीं कहना चाहिए बट उसको मैं दूंगा. अब अगला है लो इंटरेस्ट, अ सोर्स ऑफ मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑन द प्रोजेक्ट,
और नॉट इजी टू वर्क विद। साहब हैं कोई बादशाह बंदे और वो ये कहते हैं कि जी हमें उससे रिक्वायरमेंट उसी से लेनी है, ये हमारे साथ बड़ा जरूरी है। अगर रिक्वायरमेंट्स गैदर ना हुई तो जाहिर है हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन ना वो इंटरेस्ट ले रहे और वो कोई इजी गोइंग बंदा नहीं है। तो ऐसे स्टेक होल्डर को हम इंगेजमेंट के लिए क्या कुछ सोच सकते हैं? सो पहली बात, अगर कोई शख्स ऐसा होना जो नॉट इजी टू वर्क विथ है, जिसके साथ कोई प्रॉब्लम आने का अंदेशा हो, तो एक बात तो आपने याद रखनी है, ऐसे स्टेक होल्डर से आप जो भी काम करवाओ वो लिखत पढ़त उसकी पूरी करो, उससे रिक्वायरमेंट लेके उसका साइन ऑफ लो के सर यही चीज चाहिए थी ना, और कोशिश करें कि विद एग्जांपल्स लिखें कि हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होगा तो इतनी वैल्यू होगी तो ये करेंगे, सो दैट कोई अभाम की गुंजाइश न रहे, उससे साइन लें ताकि बाद में ये शख्स अगर इफ ही और शी इज नॉट यू नो इजी टू वर्क विद तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अब उनका इंटरेस्ट लो है तो आप ये चाहोगे कि यार आप इन रिक्वायरमेंट्स के बगैर तो नहीं कर सकते हो, तो एक तरीका ये है कि मैं ये इन्वेस्टिगेट करूं, रूट कॉज एनालिसिस करूं कि व्हाई द इंटरेस्ट इज लो, और फिर हम उस स्टेक होल्डर से पूछें तो सही कि सर आप क्या चाहते हैं, मैम आप क्या चाहती हैं, आप कैसे चाहेंगी कि हम आपको इंगेज करें, ठीक है, और फिर उनसे रिक्वायरमेंट हम उसी तरह जितनी हद तक डिटेल मुमकिन हो करें, बिकॉज हमें ये पता है कि नॉट इजी टू वर्क विद है, और फिर उनका हम क्लियरली कैप्चर करने के बाद अप्रूवल लें और उनको लिखें, और फिर इनको गाय बगैर रिपोर्ट जरूर करते रहें, ठीक है। अच्छा, एक और स्टेक होल्डर है जो हाई इंटरेस्ट है, हाई इन्फ्लुएंस है, बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ द प्रोजेक्ट। इंटरेस्ट भी है उसका प्रोजेक्ट के ऊपर, इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन सपोर्टर नहीं है। अगेन ये एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे चीज खड़ी हुई है, तो हम सीधी सीधी वो रीजन पूछेंगे या रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि भाई सपोर्टर क्यों नहीं है, और अगर मुझे वो रीजन समझ आ गई तो फिर हम उन रीजंस को एड्रेस करने के लिए अपना ये एंगेजमेंट प्लान बनाएंगे। हम जो भी एंगेजमेंट प्लान बनाएंगे कोशिश करेंगे कि वो रीजंस एड्रेस हो जाए ताकि ये सपोर्टर बन जाए हमारा। एक और स्टेक होल्डर है वो हाई इंटरेस्ट है, हाई इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल इसी तरह के, लेकिन वो सपोर्टर ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो ऐसे स्टेक होल्डर को तो हम जाया नहीं होने देंगे, हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, हम उसको अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के अंदर बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे कि यार आप आके हमें ये काम करके दें, ठीक है, सो और साथ के साथ उसे प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट भी देते रहेंगे। फिर इसी तरह एक मॉडरेट इंटरेस्ट है लेकिन इन्फ्लुएंस हाई है, और वो प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ एक्टिविटीज भी कर रहा है, एंड देन सपोर्टर ऑफ द प्रोजेक्ट भी है, तो ऐसे स्टेक होल्डर्स के हम कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, इन स्टेक होल्डर को आप ऑफिशियली उसको कुछ वैल्यू दें या उसको इनवाइट करें। एक्चुअली इस वक्त उसका इन्फ्लुएंस कम है, मींस उसकी से नहीं है, पहुंच रही से नहीं है, तो हम उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हम उस स्टेक होल्डर्स को ऑफिशियली टीम मेंबर या मैनेजमेंट टीम का एक्चुअली हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स प्रेफर्ड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वो क्या चाह रहे हैं उनसे पूछे, और देन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू कंटिन्यू टू गेट देयर सपोर्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये जनरली अगर आप देखें तो सारों के पीछे एक ही थीम है, थीम क्या है, अगर वो नेगेटिव है तो भाई नेगेटिव क्यों है, वो जो रीजन पता चलेगी उसको एड्रेस करके उसको सपोर्ट में लेके, दैट्स इट, और इसको जाया ना होने दें, और इसका ऐसा करने के लिए उसे जो पूछना पूछे, ठीक है। दूसरा यह है कि भाई वो नेगेटिव तो नहीं है लेकिन न्यूट्रल है या पॉजिटिव है ऑलरेडी, ठीक है, तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को जाया ना होने, न्यूट्रल वाले को तो पॉजिटिव वाला है लेकिन जो ऑलरेडी पॉजिटिव है लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही, तो उसको आप ऑफिशियली टीम क्या कहते हैं अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बनाए। एक और है मॉडरेट इंटरेस्ट हाई इन्फ्लुएंस, बिकॉज स्टेक होल्डर हैज आइडेंटिफाइड लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल रिस्क फॉर द प्रोजेक्ट और सपोर्टर ऑफ द प्रोजेक्ट है, अगेन इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, तो मैं ये चाहूंगा कि पता चले कि भाई इंटरेस्ट क्यों कम है, और फिर हम उसको हम कोशिश करेंगे कि यार ये जो इन्होंने जिस तरह रिस्क पे काम किया है इस तरह हम इसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इंगेज रखें, ठीक है, और फिर वो जो कुछ उसने रिस्क के लिए हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन किया तो उन्हें अप्रेजल भी देते रहे, उन्हें अपडेट भी करते रहे कि भाई आपकी जो रिस्क एफर्ट है उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे, सो दैट वो उसका इंटरेस्ट कायम रहे, वो और ज्यादा आपके लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपको अगली हर मीटिंग में हेल्प आउट करे। इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर इन रिस्क रिव्यू एंड ऑडिट्स, जो भी रिस्क रिव्यू और ऑडिट मीटिंग्स होगी, तो क्योंकि ये
ये वाले स्टेक होल्डर, उसने बहुत ज्यादा स्टेक रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं तो उसे हम यूज करेंगे। मॉडरेट इंटरेस्ट है, नर्वस अबाउट कंप्लीटिंग असाइंड एक्टिविटी, इंटरेस्ट तो है लेकिन थोड़ा सा शेकी है ये साहब, ये मोहतरमा, और इनसे वो काम नहीं हो रहा, तो मे भी उनको क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा, जिस भी इसमें उन्हें कंफ्यूजन है वो दूँ, मे भी उनके लिए मैं ट्रेनिंग भी अरेंज कर दूँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर। सो मैं ये देखूंगा कि यार जो उस स्टेक होल्डर को ब्रोशर देना है वो दे दें, कोई वीडियो लेक्चर देनी है या फिर उनके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग देनी है वगैरह, ताकि वो क्लियर हो जाए, वो कंफर्टेबल हो जाए कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम उन्होंने करना है वो अच्छे से अच्छा करो, और अल्टीमेट एम हमारा यही है। अच्छा, अब इस प्रोसेस का जो मेरे पास आउटपुट है वो क्या है, वो एक स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान की शक्ल में नजर आता है, और इस स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान के अंदर हम हर स्टेक होल्डर्स, बेसिकली द की स्टेक होल्डर तो लाजमी, और एक्चुअल में और बाकियों के लिए कैटेगरी वाइज हम जरूर बताएंगे कि यार इन स्टेक होल्डर्स को या इस टाइप के स्टेक होल्डर्स को हम कैसे इंगेज करेंगे, और इसके लिए जाहिर है सॉरी इसके लिए हम जो जनरल गाइडलाइंस है वो इंक्लूड कर देंगे, और जो मैट्रिसेस हैं जैसे अभी हमने देखा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, ये चलती रहेगी थ्रू आउट द दिस जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर। नाउ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान जनरली हैव अ कंपोनेंट दैट एड्रेसेस हाउ कम्युनिकेशन विल बी यूज्ड। अब जैसे मैंने कहा कि यार एंगेजमेंट का मतलब तो है ही कम्युनिकेशन, तो हम कह ही ये रहे हैं कि एंगेज करेंगे मींस कम्युनिकेट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लान्स, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, इन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन होगी, और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि मैंने जो इधर स्टेक होल्डर के अंदर देख रहा हूँ कि यार एक स्टेक होल्डर है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा है वगैरह वगैरह, पावर ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा कि यार उस स्टेक होल्डर को आपने एक्टिवली इंगेज रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बता ये रहा है एंगेजमेंट प्लान कि यार क्या जरूरत है, वाई आई नीड टू कम्युनिकेट, बिकॉज उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है, वो हमारा लेट्स से कस्टमर है, सारी चीजें वो कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है और क्यों ऐसा करना है, ये जो वाई वाली पार्ट है, Why of the communication, मुझे यहां मिलता है। अच्छा, अब ये करेंगे कैसे, वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू, उसके अंदर हम देखते हैं हमारी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी क्या होगी, मेथड क्या होगा, और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। विल टॉक अबाउट दीज थ्री टर्म्स जब हम कम्युनिकेशन का इंशाल्लाह कल इसको हम स्टार्ट करेंगे। सो वट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, वेन इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, हाउ इट विल बी कम्युनिकेटेड, ई मेल करूंगा, फोन करूंगा, पर्सनली मिलूंगा, और कब कब करूंगा, ये सारी बातें मुझे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में। लेकिन यहाँ पे भाई ये करने की जरूरत क्या है, वो ये जरूरत है कि मुझे इसको इंगेज करना है, वो जो वाई है वो मेरे पास इंगेजमेंट प्लान के अंदर आता है। सो ये दोनों चीजें बड़ी क्लोजली साथ साथ काम कर रही होती है। फिर ये जो इंगेजमेंट प्लान है, ऐसा नहीं है कि ये कंसिस्टेंट रहेगा, जाहिर है वक्त के साथ साथ जब स्टेक होल्डर्स के इंगेजमेंट लेवल चेंज होंगे और मुझे नजर आएगा कि यार मे बी डिजायर्ड लेवल मुझे आगे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये मे बी ये स्पोर्ट में स्पोर्टिव स्टेक होल्डर नहीं बन सकता, तो एटलीस्ट न्यूट्रल तो हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम अपने फिर इंगेजमेंट प्लान में एडजस्ट करेंगे। बाज दफा आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा होता और हम ये चाहते हैं कि हम इस प्लान को रीएडजस्ट करें। अच्छा, अब एक और बात, और वो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, वो ये कि भाई स्टेक होल्डर का जो आप इंगेजमेंट प्लान बनाओगे, उस प्लान के अंदर आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एग्जाम्पल देखी, दिस पर्सन, लेट्स से अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दिस पर्सन इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, ऑल्दो आप इतना वो क्या कहते हैं रूड किस्म का सेंटेंस नहीं लिखोगे, बट लेट्स से इफ दिस इज द रियलिटी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार अगर मैं बहुत भी इसको डाइल्यूट करके लिखूँ तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम्स कैन बी एक्सपेक्टेड वाइल डीलिंग विद the requirements of this stakeholders, ठीक है। तो अब अगर ये मैंने प्लान के अंदर इस तरह लिख दिया, और सोचिए प्लान तो बहुत सारे लोगों में शेयर भी हो रहा होगा, और हो सकता है उस स्टेक होल्डर के पास भी चला जाए जिसके बारे में मैंने अपनी इतनी खूबसूरत राय का इजहार किया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। स्टेक होल्डर को हम ये सोच ही रहे हैं कि यार स्टेक होल्डर के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, और ऐसा करने में प्लान के अंदर मैंने उसके बारे में जो क्या कहते हैं नेगेटिव
कमिट्स कर दिए हैं, अब उसकी के रिजल्ट में मेरा स्टेक होल्डर्स, ये जो रिलेशनशिप है, कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगा, उल्टा खराब होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम जनरली स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान के अंदर उस तरह नहीं लिखते, बल्कि उसको अपने पास अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। दैट मींस मेरा जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है, उसके दो हिस्से एक तरह से बन गए। एक वो इंफॉर्मेशन है जो मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ बातें मैं अपने पास रखूँ सो दैट मेरे रिलेशनशिप इफेक्ट ना हो। ठीक है, सो हमने हमेशा ये देखना है कि यार हम अपने स्टेक होल्डर्स को बेहतर से बेहतर कैसे वो करते हैं, इंगेज कर सकते हैं, और इस रास्ते में जितने भी रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वी वुड ट्राई कि यार उनको हम प्रोएक्टिवली हटा दें। अच्छा, अब मेरा एक स्टेक होल्डर का इंगेजमेंट का प्लान बन गया हुआ है। अब जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, मैं स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेजमेंट करूंगा एज पर दैट प्लान। अगर वैसा नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियसली मैं अपने प्लान के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ मे बी। सो हम स्टेक होल्डर्स को से जो इंगेजमेंट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो मेरे पास स्टेक होल्डर्स जिस तरह से काम करना चाह रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मैं उस तरह उनको मीट करूं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, एट टाइम्स ऐसा होता है, जरूर है, कि आपके स्टेक होल्डर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कोई बहुत, आप कह लें कि प्रोजेक्ट के लिए शायद कोई कंट्रीब्यूट ना कर रही हो, प्रोजेक्ट के लिए कोई फायदेमंद साबित ना हो रही हो, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को हमने नहीं टच करना, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को हमने एंटरटेन नहीं करना ऑब्वियसली। लेकिन हमें स्टेक होल्डर को ये जस्टिफाई जरूर करना है कि व्हाई अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। अच्छा, अब हम कुछ ना स्टेक होल्डर की जो इंगेजमेंट है, हम कैसे इंगेज करते हैं, तीन चार सिनेरियोज है, इनको जरा देखते हैं जल्दी से। और अगेन मकसद यही है आपको बताना कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीज समझ आ जाए कि स्टेक होल्डर को इंगेज किया कैसे जाता है। सो अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अब ये एक आपको सिनेरियो दिया हुआ है, अ प्रोजेक्ट मैनेजर नोज अ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर इज डिससैटिस्फाइड बिकॉज वन ऑफ हिज रिक्वेस्ट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। द रेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स एग्रीड अपॉन द स्कोप, बट द प्रोजेक्ट मैनेजर एंटिसिपेट्स दिस पर्सन विल कंटिन्यू प्रेसिंग टू ऐड हिज रिक्वेस्ट। व्हाट शुड द प्रोजेक्ट मैनेजर डू? आपका क्या ख्याल है? सर उसकी रिक्वेस्ट को एवेल्युएट नहीं करेंगे मैंने। हाँ, मैं उसे ये समझाने की कोशिश करूंगा, उसे मिलूंगा और उसे कहूंगा कि यार देखें, आपने जो रिक्वेस्ट दी ना, इस वक्त मेरी मजबूरी है, मैं करना चाहता हूँ, मुझे यकीन करें कोई एतराज नहीं होगा। मैं इसको ना उर्दू में बोल रहा हूँ ताकि आपको हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरह बात करते हैं वो समझ आ जाए कि सर मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ वही काम इंक्लूड कर सकता हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर है। मैं चार्टर से बाहर नहीं निकल सकता, मुझे अलाउड नहीं है। तो अब आप काइंडली, मैं आप एक काम की करें कि ये किसी तरह अप्रूवल अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लें, और अगर ये अलग से प्रोजेक्ट तो इंशाल्लाह मैं आई वुड बी हैप्पी कि मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर बनूं और आपके लिए काम करूं। ठीक है, तो आप बेसिकली बजाय इसके कि एक ना, और जनरली होता यही है, जो नेगेटिव फीलिंग या रिलेशनशिप बनते हैं उसमें वी डोंट कम्युनिकेट, और हम एक दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, या एक दूसरे को प्रेस, एक डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट को प्रेस करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरीली। ये गलत बात है। अच्छा, अब ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग अ स्टेक होल्डर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट हाउ मच द प्रोजेक्ट वुड इम्पैक्ट हर डिपार्टमेंट अदर वर्क, डिपार्टमेंट्स अदर वर्क। अच्छा, अब ये वही बात है कि लेट्स से वो जैसे एसी वाली हम एक एग्जांपल देते हैं कि यार एक हमारा जो खातून है जिनका एक मैनेजर है जिनके डिपार्टमेंट में मैंने उखाड़ पे चार करनी है, और वो इस बारे में वर्ल्ड है कि यार जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही थी तो उन्होंने एक एक्सप्रेस किया कि यार ये तो हमारा आप काम रोक देंगे, जिन 2-3 दिनों में आप सीलिंग या उखाड़ पे चार कर रहे होंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। तो ऐसे स्टेक होल्डर को आप कैसे मैनेज करोगे?
आप ये बोलोगे कि जी आपने अब तो एक्टिव है पहले से मिलके, जैसे मैं कहता हूँ उनके ऑफिस में गए, उन्होंने कहा कि यार मुझे सिर्फ एक ही बात है, कोई इशू नहीं, आप अपना काम करें, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि ये जो उखाड़ पिछाड़ होगी तो उसमें मेरा कितना टाइम लगेगा और मुझे कितना अर्सा पहले आप बताएंगे। अच्छा, अब ऐसे स्टेक होल्डर को आप बोलें कि जी मैं आई हैव नोटेड इट डाउन, बिल्कुल सही है आपकी ये जो कंसर्न है वो बजाए, एंड आई वुड डेफिनेटली डेफिनेटली कंसीडर दिस पॉइंट वाइल प्लानिंग द एक्टिविटीज, और इंशाल्लाह मैं आपको एक दो दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में, जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट का स्केड्यूल फाइनल होता है ना, तो मैं आपको वो फाइनल स्केड्यूल करके ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपका डिपार्टमेंट डिस्टर्ब होगा। लेकिन मैं, मुझे खुशी होगी अगर आप खुद मुझे बता दें कोई प्रेफर्ड टाइम आपका है ना कि यार आप इन 2-3 दिनों में कर लो, तो फिर मैं जब स्केड्यूल बना रहा हूँगा तो आई वुड कंसिडर इट, और मैं इंशाल्लाह आपका कंसर्न माइंड में रखूंगा और आपको अपडेट भी करूंगा, जस्ट डोंट वरी। इसको कहीं नोट करें अपने पास, और ये बात जब हो जाए तो इसी तरह फिर अपडेट भी करें, ठीक है। सो जैसे जैसे प्रोजेक्ट फॉरवर्ड आगे चलता रहेगा, द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड कंटिन्यू टू चेक इन विद द स्टेक होल्डर टू डिस्कस एनी अनफोर्सीन इम्पैक्ट। ज़ाहिर है जब आपने आज से 6 महीने आगे का प्लान किया हो तो हो सकता है कुछ चीज़ें आगे आ जाए, या उन 6 महीने बाद उस डिपार्टमेंट की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आ जाए कि अब वो 6 दिन जो खुद उन्होंने प्रेफर किए थे या 3 दिन वो खुद उन्होंने प्रेफर किए थे वो उनके लिए एप्लीकेबल आ गए, ठीक है जी। तो ये है स्टेक होल्डर को इंगेज करने का तरीका, और कुछ एग्जांपल एक आधी और भी हैं, अभी दो तीन शायद और हूँ। द प्रोजेक्ट मैनेजर नोटिसेस दैट अ स्टेक होल्डर हु यूज्ड टू प्रोवाइड हेल्पफुल इनपुट रिगार्डिंग सॉरी रेगुलरली हैज बिकम लेस इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। पहले वो बड़ा एक्टिव इन्वॉल्व थी और अब जो है ना वो एकदम से खत्म हट गया। तो अगेन वही कि मैं उन्हें चेक करूंगा कि यार आपका फीडबैक आता था तो यकीन करें हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल होता था, वो बहुत प्रोडक्टिव चीज़ थी और हम एक्चुअल में अपने प्लान्स को उसके मुताबिक एडजस्ट करते थे, बट समहाउ वो जो है ना अब फीडबैक आ नहीं रहा। तो अगर तो ये आपकी कोई कमिटमेंट है टाइम लेस होने की वजह से, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप गुंजाइश निकालें हमारे लिए भी, और अगर ऐसा नहीं है कोई और रीज़न है तो हमें बताइए, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट रीज़न, और हम ये चाहेंगे कि आपका फीडबैक आता रहे। अब मैं कुछ इस बारे में कर सका हूँ तो काइंडली मुझे बताएं। तो ये इंगेजमेंट की डिटेल्स हैं, लेकिन ये सब कुछ अगेन ये सब कुछ तब मुमकिन है जब प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रोएक्टिवली बाकी सारी चीज़ें प्लान की हुई है और उसके पास इतना टाइम है इन चीज़ों का, ठीक है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर के ये एक्शंस भी जैसे बाकी नॉलेज एरियाज में वो प्रोएक्टिव है, ये भी प्रोएक्टिव एक्शन है जिसमें वो पहले से इनपुट लेते हैं और फिर उनके नीड्स एंड कंसर्न को माइंड में रखते हुए उसके बाद उनको अपने प्लान का हिस्सा बनाता है। और अगर किसी वजह से वो जो नीड्स कंसर्न्स हैं वो उनसे प्रोजेक्ट मैनेजर एग्री नहीं करता, इवन देन वो उनको कन्वे जरूर करता है कि यार ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका ये पॉइंट कंसीडर तो हुआ लेकिन हम उसको मान नहीं सकते। तो और ये रास्ता है, आपको रास्ता भी उसको थोड़ा सा दिखा दें कि जी ये रास्ता है, अगर आप ये चाहते हैं तो इस तरह काम हो जाएगा, अदरवाइज शायद ये मुमकिन ना हो, बट डेफिनेटली हम इसको अलग से अगर करें तो दोनों के लिए फायदा मंद होगा। एंड सो ये है अगेन जैसे मैंने कहा कि ये तभी मुमकिन होगा जब आपके पास आपने हर जगह अच्छी प्लानिंग की हुई है, प्रोएक्टिवली सारा काम किया हुआ है। और ऐसा करने से, अगर आप ऐसा करेंगे और इसमें टाइम लग भी रहा है, इवन देन ऐसा करने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। लगता यही है कि हम ये टाइम इधर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं और बहुत एफर्ट कर रहे हैं और इससे तो हमारा प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है। अगर आप ये एफर्ट नहीं करेंगे, लेट्स से इन चीज़ों की वजह से ये जो एक्टिविटीज़ या एक्शंस जो कॉलिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये आपका ना लेट्स से तकरीबन 10 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर आपने ये 10 डेज एक्स्ट्रा ना स्पेंड किए तो आपको उसका जो नुकसान होगा वो मे बी 4-6-8 मंथ्स तक आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाए, क्योंकि फिर इश्यूज बनना शुरू हो जाएंगे। जब स्टेक होल्डर्स आपसे खुश नहीं होंगे तो जाहिर है आपके प्रोजेक्ट के लिए इश्यूज बन जाएंगे। अच्छा जी, अब मैनेज स्टेक होल्डर के लिए हमारे पास इनपुट क्या है? जाहिर है मुझे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है, तो मैनेज कैसे करना है? वो जो मैंने अभी स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट प्लान बनाया था
उसके मुताबिक। और अगर आपको याद हो तो मैंने दो प्लान्स और साथ में कहे थे, एक है रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, वो संभव साथ के साथ है, ये नीचे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टेक होल्डर रजिस्टर, इशू लॉग, चेंज लॉग, ये सारे का सारा जो है आता है। चेंज लॉग की अभी हमने एग्जाम्पल भी देखी थी कि एक एक स्टेक होल्डर ने चेंज रिक्वेस्ट की और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, अब इस स्टेक होल्डर को हमने कैसे जस्टिफाई करने जा रहे हैं, ये चीजें मुझे आएगी। और इससे रिलेटेड कोई इश्यूज या अदरवाइज स्टेक होल्डर से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वो देखेंगे। और स्टेक होल्डर रजिस्टर क्यों, क्योंकि इसी के अंदर तो सारे स्टेक होल्डर्स का नाम है, इसी के अंदर तो उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो ही भी है। अच्छा जी, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है? बेसिकली जो इंटरपर्सनल टीम स्किल्स हैं, जिसको मैं सॉफ्ट स्किल्स कहता हूँ, वो हम जरूर करेंगे। एक तो पॉलिटिकल एंड कल्चरल अवेयरनेस, यहाँ पे पॉलिटिकल से मुराद वो वाली सियासी नहीं है जो मतलब हमारे मुल्क की सियासी होते, यहाँ से पॉलिटिकल से मुराद के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा होता है। जाहिर है कुछ लोग किसी एक इंटरेस्ट ग्रुप का हिस्सा होते हैं, दूसरे लोग किसी और इंटरेस्ट ग्रुप का हिस्सा होते हैं, तो उस पॉलिटिकल एंड कल्चर अवेयरनेस को सामने रखते हुए आपने ज़रूर करना है। जैसे मैं कह रहा था कि अभी प्रोक्योरमेंट वाले जो भी साहिबान होंगे या जो भी लोग होंगे, ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट में है ये चीज़ कि यार वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगोशिएट करते हुए बहुत अपना फ़ायदा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि फेवर में बात करेंगे, और इस चक्कर में वो एक विन विन सिचुएशन को विन लूज सिचुएशन बना देंगे। सो इन चीज़ों किस्म की अवेयरनेस को यूज़ करते हुए या समझते हुए आपने इन चीज़ों को एड्रेस करना है। और फिर इसके अंदर नेगोशिएशंस भी हैं, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बातें भी हैं, और भी कुछ हैं टेक्निक्स वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आपको बताऊंगा एक्टिव लिसनिंग की। बट अल्टीमेट आपकी ट्राई ये हो कि आपका ट्रस्ट मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट को आपने रिजॉल्व करना है। जनरली होता ये हो रहा और ये रहा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो हेड ऑन ले लेते हैं दोनों, वी डोंट मूव फॉरवर्ड कि यार इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो स्टेक होल्डर्स के सिलसिले में हमें रेजोल्यूशन की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, प्रॉब्लम्स को प्रोएक्टिवली होने से पहले ही डील कर लें। जैसे अभी मैं कहा कि उनसे कुछ स्टेक होल्डर से एक्टिवली मिलें और उनसे पूछें। अच्छा, प्रमोट एग्रीमेंट्स अमंग स्टेक होल्डर्स टू मीट द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। कोशिश करें अगर दो स्टेक होल्डर्स वन टू वन आमने सामने आके उनको जरा डिसॉल्व कराएं उनकी ये इस सिचुएशन को, सो दैट और किस तरह करवाएं, इस तरह जो प्रोजेक्ट के हक में बेहतर हो। इनकरेज स्टेक होल्डर सपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। कोशिश ये करें कि सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो सपोर्टिव रोल में रहें, प्रोजेक्ट और उसके आउटकम के बारे में उनका पॉजिटिव व्यू हो। अच्छा जी, अब जैसे हमने कहा कि जब हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करते हैं तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा आपको कुछ चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएट मतलब होती है, और वो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट के अंदर स्कोप के अंदर चेंज आ जाए, प्रोडक्ट के अंदर स्कोप के चेंज मतलब चेंज रिक्वेस्ट उसके बारे में आ जाए, या फिर जो हमने स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान बनाया है जिसको हम फॉलो करके स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं, अभी हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो प्लान के अंदर कुछ चेंजेस दरकार है, तो हम अपना स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्लान भी चेंज करेंगे। एंड जाहिर है इंगेजमेंट का मतलब है ही कम्युनिकेशन, तो साथ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान भी चेंज हो जाता है। अच्छा, अगेन जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं आप देख लीजिएगा, वही चेंज लॉग है, स्टेक होल्डर रजिस्टर है, इशू लॉग है और लेसन लर्न्ड है। ठीक है, इन लॉग्स एंड रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं है, मैं आज बल्कि आई वुड लाइक कि अभी एक दफ़ा क्विकली इनको रिवाइज कर दूँ। मैंने आपको कहा था कि इनपुट पे स्टेक होल्डर रजिस्टर और उसके बाद अजम्पशन लॉग एंड लेसन लर्न्ड रजिस्टर, ये और इसी तरह ओपीएस का जो लेसन लर्न्ड है वो ये हर जगह पे ऑलमोस्ट इनपुट पे आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर रजिस्टर क्यों, सॉरी रिस्क रजिस्टर क्यों, इस प्रोसेस जो भी मैं प्रोसेस इस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्टिविटीज का एस्टिमेट कर रहा हूँ, बजट बना रहा हूँ या स्टेक होल्डर को मैनेज कर रहा हूँ उनकी एंगेजमेंट को, जो भी ये प्रोसेस है इससे रिलेटेड कुछ रिस्क आइडेंटिफाई हुए हुए हों अगर इस रजिस्टर में, तो उनके रिस्पॉन्सेज भी लिखे होंगे, तो मैं ये इंगेजमेंट के बाद वो रिस्पॉन्सेज पढ़ के उनको एग्जीक्यूट करूंगा, एक बात। दूसरी बात, इस प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास कोई नए रिस्क जन्म ले सकते हैं, तो मेरा ये स्टेक होल्डर रजिस्टर अपडेट होकर आउटपुट आएगा। इसी तरह अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट के बारे में भी है, इस प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन सी अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट है वो ये प्रोसेस परफॉर्म करते हुए मैं सोचूंगा, और फिर इस प्रोसेस के अंदर कुछ नई कंस्ट्रेंट्स को नए अजम्पशंस आ जाएं या पुरानी अजम्पशंस अब वैलिड ना रहे तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा। सेम गोज फॉर
हमारे पास, मैंने आपको लेसन एंड रजिस्टर, मैं चाहूँगा कि अगर प्रोजेक्ट के आगाज में मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट उसको रिपीट ना करूँ, ठीक है जी। तो ये भी इनपुट पे आता है और अपडेट भी हो जाता है। अच्छा, और इसी तरह लेसन एड, एक और बात इशू लॉग के बारे में, मैंने इशू लॉग के बारे में ये बताया हुआ कि जहाँ पे भी लोग डील कर रहे होंगे या काम हो रहा होगा वहाँ पे इशू लॉग आएगी। अच्छा, दैट मीन्स वो जो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क है टॉप पे, जो अभी हमने नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन के अंदर, जहाँ प्रोजेक्ट का काम हो रहा है वहाँ पे इशू लॉग शायद आ जाए। इसी तरह अभी हमने जब से ये शुरू किया है प्रोक्योरमेंट देखा, जहाँ से हमने इंटरेक्शन ऑफ पीपल देखा, वहाँ पे इशू लॉग भी इनपुट पे आ रहा है। एक चीज चेंज लॉग स्पेशल वाली केस है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि अगर चेंज होकर से अप्रूव नहीं हुई तो मेरा एक स्टेक होल्डर वो मुझसे खफा हो सकता है। चलिए, अब आखिरी प्रोसेस जो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट से रिलेटेड है, दैट इज मॉनिटर करना है आपकी स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट को। स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट को सॉरी मॉनिटर करने से क्या मुराद है, वो ये कि हमने जो इंगेजमेंट प्लान बनाया था वो कितना कामयाब हो रहा है, अब वो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ इंगेजमेंट है क्या वो ठीक है, या मुझे डिजायर्ड लेवल भी चेंज करना है। इसी तरह करंट लेवल ऑफ इंगेजमेंट वो क्या है, और डिजायर्ड और करंट में वेरियंस कितनी है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास जो डिजायर्ड इंगेजमेंट लेवल है वो करंट पे आ जाए, तो सॉरी करंट लेवल इंगेजमेंट लेवल है वो डिजायर्ड पे आ जाए। और इसके अलावा मैं ये भी देखूंगा कि यार कोई नए स्टेक होल्डर्स तो नहीं है, कोई ऐसे स्टेक होल्डर्स तो नहीं है जिनको अब कट ऑफ करने का टाइम आ गया हुआ है, मीन्स अब वो ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्व नहीं रहे, एंड सो ऑन। सो मेंटेनिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड मॉनिटरिंग स्टेक होल्डर इंगेजमेंट आर ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, और हमें ये कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि यार इस वक्त स्टेक होल्डर्स के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपना जो स्टेक होल्डर का आपने इंगेजमेंट प्लान बनाया हुआ उसमें। अच्छा, इसके लिए इनपुट्स क्या क्या हैं, एक तो मुझे जाहिर है सीधा सा स्टेक होल्डर को एवेलुएट तो करना पड़ेगा, उसको देखना तो पड़ेगा कि यार वो इस वक्त क्या सोच रहा है, ताकि मुझे करंट लेवल का अंदाजा हो। और इसके अलावा मैं ये देखूंगा मे बी कि जो मेरा जो स्टेक होल्डर है उसका एटीट्यूड जो हमने स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ था वो क्या था, और अकॉर्डिंगली अब हम अपने स्टेक होल्डर्स के जो एटीट्यूड्स के बारे में जो वक्त के साथ साथ मुझे पता चलता है उनको अपडेट करें। और इसी तरह कुछ एडिशनल स्टेक होल्डर्स भी मेरे पास आ सकते हैं, तो भी मैं उन लोगों को भी ऐड करने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सम टाइम्स हम कहते हैं कि यार अब इस स्टेक होल्डर को इंगेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट हमारा उस फेज से आगे निकल गया और इस स्टेक होल्डर की सो स्टेक होल्डर की अब इन्वॉल्वमेंट नहीं दरकार, तो फिर वो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी इंगेजमेंट की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि अब इससे मैं फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, या मैं इनको फर्दर मे बी कम्युनिकेशन ना करूँ इनके साथ, मीन्स कम्युनिकेशन यानी कि रूट के ना करूँ, मीन्स अब जरूरत नहीं है उनको अपडेट रिपोर्ट्स में भी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब कम्युनिकेशन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के कुछ हिस्से हमें चाहिए वो आपने पक्का याद रखे हैं, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, ये तीनों साथ साथ हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पे फिर इशू लॉग आ गई, और वो इशू लॉग क्या है, जहाँ पे भी लोग और काम होगा तो उनसे रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, उनसे रिलेटेड कोई डिसएग्रीमेंट्स, उनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन्स, कोई इश्यूज वो सामने आते रहेंगे। तो आई वुड लाइक टू नो कि यार कहीं पे कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई स्टेक होल्डर में से खफा तो नहीं हुआ हुआ, तो मैं अकॉर्डिंगली अपने जो ये स्टेक होल्डर के इंगेजमेंट को मॉनिटर करके और मे बी कुछ चेंज रिक्वेस्ट रिकमेंड करूँ, सो दैट हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। अच्छा, इसके अलावा अगेन अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेसन एंड रजिस्टर और रिस्क रजिस्टर की बात की। अच्छा, अब रिस्क रजिस्टर यहाँ पे क्यों आया, जैसे मैंने कहा कि स्टेक होल्डर इस प्रोसेस के अंदर, हर प्रोसेस के अंदर एक्चुअली हम ये देखते हैं कि यार रिस्क रजिस्टर के अंदर कोई ऐसा रिस्क तो नहीं लिखा हुआ जो हमारे इस करंट प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा हो, अगर लिखा हुआ है तो जाहिर है उसके आगे उसका रिस्पॉन्स भी लिखा होगा, हम उस रिस्पॉन्स को यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, फिर स्टेक होल्डर की जो इंगेजमेंट है उसके इनपुट पे WPD वर्क परफॉर्मेंस डेटा आपको याद होगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के सारे प्रोसेसेस के इनपुट पे आता है, तो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के अंदर जो सॉरी जो हमारे पास WPD आता है वो यही है कि हमारे स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं या हमारे जो टीम मेंबर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। विल टॉक अबाउट दिस डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क एंड WPD जब हम इंटीग्रेशन का नॉलेज एरिया शुरू करेंगे, ठीक
ठीक है, अभी हम इसके बाद कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के बाद हम इंटीग्रेशन वाला ही करेंगे इंशाल्लाह। इस वीकेंड तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर एक शायद मंडे को क्लास जाए, वो उसका वो जो हमारा है क्या कहते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट वाला, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा अबाउट द टेस्ट। अच्छा जी, ये जब मेरे पास डाटा आता है तो उसको हम एक्चुअल इंगेजमेंट